बेरोजगारी में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा सरकार नंबर वन पे। मैं पंजाब की जनता को इसका श्रेय देना चाहूंगा, उन्होंने जाति और धर्म की राजनीति को नकार के काम की राजनीति को पसंद किया। जब आदमी काम में बिजी हो तो फिर उपद्रव दिमाग में नहीं आता, और अब हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में भी काम की राजनीति। उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार के ईमानदार पार्टी को पसंद किया, तो मैं पंजाब की जनता को बधाई देना चाहूंगा। अपराध बहुत बढ़ गया, जंगल राज हो गया, सरेआम व्यापारियों से गोली मार दी जाती है। नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं साजन शर्मा। आज हमारे साथ राज्यसभा के मेंबर और हरियाणा में जो है आप पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता जी, जो कि पंजाब में पार्टी के एक प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर जो है उभर कर सामने आए हैं और प्रचंड बहुमत पार्टी को मिला है। आइए हम उनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि पंजाब की जीत को जो प्रचंड बहुमत मिला है किस तरीके से देखते हैं। मैं पंजाब की जनता को इसका श्रेय देना चाहूँगा, उन्होंने जाति और धर्म की राजनीति को नकार के काम की राजनीति को पसंद किया, उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार के ईमानदार पार्टी को पसंद किया, तो मैं पंजाब की जनता को बधाई देना चाहूँगा। तो जो ये इतनी मात्रा में जो है विधायक जीते हैं, इनको किस तरह से सहेज के रखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक डिफरेंट मॉडल है। आम आदमी पार्टी काम बहुत देती है, हर विधायक को काम करना पड़ता है, जनता की सेवा करनी पड़ती है, और जब आदमी काम में बिजी हो तो फिर उपद्रव दिमाग में नहीं आता है। इसके बाद अब हिमाचल में और हरियाणा में आगामी चुनाव हैं, किस तरह से रणनीति रहेगी दोनों राज्यों में पार्टी? आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात में अभी जल्दी चुनाव है, वहाँ पर अपनी तैयारी में जुटी हुई है। हरियाणा के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, और फिर नगर निगम के चुनाव हैं, उनकी तैयारी में लगी हुई है, और दो साल के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उनकी तैयारी में अभी से शुरुआत कर दी। हरियाणा की राजनीति में किस तरीके से देखते हैं कि जो वर्तमान सरकार है किस तरीके से काम कर रही है? वर्तमान सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। बेरोजगारी में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा सरकार नंबर वन पे है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा के अंदर है। अपराध बहुत बढ़ता जा रहा है, जंगल राज हो गया है, सरेआम व्यापारियों से गोली मार दी जाती है, उनसे फिरौती मांगी जाती है, नया उद्योग कोई लग नहीं रहा है, महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरती हैं, कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं बन रहे, नए हॉस्पिटल नहीं बन रहे, जो पुराने हैं वो जर्जर व्यवस्था के अंदर है, तो हरियाणा सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। सर, एक सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्पष्ट कर चुकी है कि पानी जो है दूसरे स्टेटों को देना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तीनों उसके अंदर एक मुख्य राज्य हैं जिनके साथ ये मसला जुड़ा है, इवन राजस्थान भी है उसके अंदर, तो ये इस मसले को सुलझाने के किस तरीके से देखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है शुरू से ही कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसी को मानेंगे। सर, एक सबसे बड़ी बात जो पंजाब के अंदर सामने आ रही है वो ये है कि पंजाब आर्थिक तौर पे इस वक्त कमजोर है और कर्जा जो है स्टेट के ऊपर काफी चढ़ा हुआ है, इससे किस तरह से बाहर निकलेंगे और लोगों को कैसे जो है विकास के काम आगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जब हम आए थे तो हमारा 24,000 करोड़ रुपये साल का बजट था, अब हमारा 65,000 करोड़ रुपये साल का बजट है, 66,000 करोड़ रुपये, 3 गुना बजट हुआ। पंजाब में भी ईमानदारी से काम करेंगे, ना टैक्स इकट्ठा करते टाइम किसी को खाने देंगे, ना ही टैक्स डिस्पर्स करते टाइम खाने देंगे, तो ये सारे कर्जे भी उतर जाएंगे और पंजाब खुशहाल भी होगा। एक चीज जो देखने में सामने आ रही है वो ये है कि आम आदमी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ लोग जो है बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं और बहुत भगदड़ मची हुई है पार्टी में शामिल होने के लिए जी, तो किस तरह से जो है आगे बढ़ेंगे इस मामले? देखो, पूरे हरियाणा चाहता है कि अब हरियाणा बदले। बहुत साल जाति धर्म की राजनीति कर ली, बहुत साल भाईचारे को खराब कर लिया, अब हरियाणा की जनता समझ चुके कि बेजाति के नाम पे हमें मूर्ख बना रहे हैं। यूपी का चुनाव होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पैदा करते हैं, दिल्ली में चुनाव होता है शाहीन बाग बनाते हैं,
हरियाणा में चुनाव तो नून जाट जाट का मुद्दा उठाते हैं, पंजाब में चुनाव तो बेदबी का मुद्दा उठाते हैं। इनसे इनसे जनता का पेट नहीं भरता, परिवार खुशहाल नहीं होते। आम आदमी पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, काम की राजनीति करती है। और अब हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में भी काम की राजनीति। जो ट्रेडिशनल पार्टियां थी भाजपा और कांग्रेस जैसी, आपको क्या लगता है कि इनको पार्टियां आगे आगे नकार रही हैं? और जिस तरीके से पंजाब में आप जीते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, ट्रेडिशनल पार्टियां 100 साल पुराने कांग्रेस कहते हैं, 50 साल से ऊपर पुराने बीजेपी के कहते हैं, अगर ये जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता कब तक मूर्ख बनती रहेगी? जनता अब समझने लगी है कि और मूर्ख नहीं बनना है। आम आदमी पार्टी ने आके एक सही दिशा दिखाई है। चुनाव के अंदर पहले अमेरिका और पाकिस्तान की बात होती थी, अब स्कूल और हॉस्पिटल की बात होती है। पहले हिंदू मुसलमान की बात होती थी, अब बिजली पानी की बात होती है। तो ये सब को बदलना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा के विधायकों ने बोला ना वहाँ पे विधानसभा में कि साहब खट्टर साहब काम कर लो, केजरीवाल आ रहे हैं। हिमाचल के विधायकों ने भी बोला कि साहब झाड़ू आ रही है, काम कर लो। जी, काम ही करना नहीं चाहते। जो आगामी स्टेट्स में चुनाव हैं, जिस तरह से पंजाब के अंदर जो है सीएम चेहरा आपने घोषित किया था आप पार्टी ने, तो क्या उन स्टेट्स के अंदर भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा करें, परंतु ये निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक का होगा, पार्टी की पीएसी का होगा। स्थानीय निकाय चुनाव जिस तरीके से अभी सामने आ रहे हैं हरियाणा में, तो पार्टी जो है पंचायत चुनाव वगैरह में अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? पंचायत राज के चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव, विधानसभा के चुनाव सिंबल पे लड़ेगी और झाड़ू पे लड़ेगी, किसी से कोई समझौता नहीं करेगी। तो ये हमारे साथ थे सुशील गुप्ता जी, उनका कहना है कि जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उनको लोग लगातार नकार रहे हैं और आम आदमी पार्टी की ओर एक उम्मीद भरी तरीके से देख रहे हैं। साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।